तो कुंडी में देसी स्टाइल से पीसा जा रहा है मसाला और सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है। चूल्हे पे हो रहा है पानी गरम और अब मैं लगाऊंगी तड़का, तो फिर हम बनाएंगे सब्जी। और घर में ऐसे ऐसे होता है काम देसी स्टाइल से। हस्बैंड गए थे चाचू जी की बाइक लेके कि मैं आज आपकी बुलेट चलाता हूँ और दूध लेकर आता हूँ, तो रास्ते में सेल्फी खींची थी और उन्हें मिला खेत में एक मोर, पर वो काफ़ी दूर था और थोड़ा सा उसको कैमरे में कैद कर लिया, पर वो बहुत ही ज़्यादा दूर था जो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज कर रहे हैं हम कितनी सफाई, बहुत दस सारी, किलो 10 किलो। आज हमने पूरे घर की सफाई कर दी। ये देखो आंगन में जो है कितने सारे पेड़ ही पेड़ थे, लीची के कितने सारे प्लांट थे, सब काट दिए हमने जो रास्ते में आते थे। सामने से आम का पेड़ काट दिया, दो नींबू काट दिए और इधर से लीची काट दी, एक और नींबू काट दिया और खूब सारा ढेर लगा दिया हमने। ये सामने नींबू का ढेर है और यहाँ इतना बड़ा ढेर लगा दिया लीची का, काट के सामने नींबू काट दिया। ये है किन्नौरी दाख और इधर से भी हमने बहुत सारी सफाई कर दी। तो हथियार लेकर देखो इधर घूम रहे हैं, चलो परे को फिर से। चलो तो मैं अपना भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना, फिर तुम करो यार। हाँ लो मुझे है अभी कपड़े उठाने को। लो पकड़ो, मैं कपड़े उठा लूं सीधी, फटाफट आ पकड़ो भला, सीधी आ यार, मैं कपड़े उठाने। दादा दो आप कटो, काटना नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है साथ में। हाँ करते रहो। श्रृंगी जोर लगा के कितना हाथ जलेगा बच्चे, प्लास्टिक है हाथ जलेगी चल रो उसको। मैं तो कोशिश की निकालने की, जितनी निकलती है निकाल दी, बाकी ये क्या का पौधा है। जलो चूल्हे में सारे खींच के, आई शाबाश। हाँ सिर पे गिरना चाहिए, कितना पड़ा था सिर पे गिरना चाहिए, पड़ा था। हाँ इससे पौधा खराब होता है। ले पकड़, मैं करता हूँ। जहां मर्जी से काटो, अब इसको टुकड़े करने। आ
आज हमने सफाई अभियान छेड़ा है ना, सारी सफाई कर देनी हमने आज। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने सारे में कर दी है सफाई, और जितने भी प्लांट जो थे वो सिर्फ टच करते थे और बहुत फैले थे वो सब काट कर उनकी कटिंग कर दी हमने, और ढेर लगा दी हमने जगह जगह। तो हस्बैंड लगे हैं अभी भी, और बस काम जारी है, देखते हैं कब तक ख़त्म होता है, फिर आपको बताऊँगी बाद में। तो सिर के ऊपर जो भी डालियां लगती थी वो सारी मैंने आज काट दी, और नीचे से आम के नीचे कर दिया खाली, क्योंकि बच्चों ने चूल्हा बनाया है और आग जला रहे हैं, और सारा कूड़ा चारों तरफ फेंका है। तो दो तीन दिन में ये सारा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ चला है सफाई अभियान, लकड़ियां काटी जा रही हैं। अब क्या करना इसके बाद? इसके बाद हाँ, सुखानी फूकनी। अगला कार्य क्या है प्रगति पर? ली है ना, ये सुहानी पड़नी है। नहीं, अभी हमारे को बहुत काम है, फालतू की जितने भी पता नहीं क्या क्या फेंका है ना वो यार लगेगी, सारी लकड़ पत्थर सब उठा के ना जलाने पड़ने, फेंकने पड़ने। इस बैंगन में बैंगन लगे हैं, वरना मैंने ये भी काट दिया था, बस यही रह गया एक रास्ते में, बाकी सारे में सफाई हो गई, खुला खुला हो गया सारे में। लीची काट दी यहाँ से नीचे से सारी, सामने वाली भी काट दी थोड़ी सी, फिर यहाँ नींबू खाली कर दिया एक, नींबू के बाद सामने वाला नींबू भी काट दिया सारा, थोड़ा सा बचा इस कॉर्नर पे, और ये लग गया लीची का ढेर काट काट के। और इधर जलाई है चूल्हे में आग, श्री ने सबने अपने अपने चूल्हे बनाए हैं और आग जलाई है, कूड़ा पड़ा है दुनिया भर का, और वो काट दी लीची इधर से, और अब हो गया सारे आंगन में खुला खुला सा। और मेरा बच्चा आ गया रोता हुआ, क्या हो गया मेरे बेबी को? बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने शॉप से 3 पैकेट मैगी के लाए और उनके लिए पका दिए। तो बस मैंने इसे सिर्फ पानी में उबाला है और कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, तो पानी गर्म किया और उसमें 3 पैकेट जो हैं वो मैगी के डाल दिए और मसाला भी डाल दिया। तो जब ये उबल जाएंगे फिर डालेंगे हम इसके अंदर घी, और ये वाली मैगी जो है वो बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि इसे उबालो और इसमें घी डाल के दो वो बहुत टेस्टी लगती है उन्हें खाने के लिए। तो बस ये झटपट से बन भी जाती है, और मैंने फटाफट से बनाकर उनको खिला दी। अगर जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो तो कभी कभार बना देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत कम खिलाती हूँ, पर आज काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों का मन था कि बना दो, तो फिर मैंने इस चक्कर में यही जल्दी जल्दी बना दी। तो आज मेरे श्रृंगू ने इतनी बड़ी चोटी लगा ली है और वो नाच रहा है कि मेरे इतने लंबे बाल हो गए हैं, और श्री बना रहा था उसका वीडियो। गौरी के नेल्स जो हैं वो इसके पापा ने इतने ज़्यादा काट दिए, कहाँ गई गौरी, हैंड ही नहीं दिख रहे हैं, इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा काट दिए, और गौरी चीख रही है कि काट दिए सारे। और देखो श्रृंगू कितने गंदे तरीके से खोल रहा है, क्या कर रहा है श्री। और श्रृंगू खोले जा रहे हैं किंडर जॉय, और टॉय निकल गया श्रृंगी को, ऐसे 3-3 टॉय हो गए इनके पास, 4 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 2 दीदी के पास, 1 श्रृंगू के पास, 1 श्री के पास। खाना खा के हटे हैं हम अभी भी, और अब बंकू के बालों का क्या बनाया इसने, थोड़ी देर पहले इसने चोटी लगाई थी डायन की चोटी, अच्छा अब डायन की शक्ल। और हमारे घर में ना सिग्नल की इतनी प्रॉब्लम है कि बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, क्या बताएं हम, यहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगाने के लिए 6 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ रहा है। पता है, मैं तो
तेरी की चोंच रूठ गई है मेरे ख्याल से। थोड़ा थोड़ी घूम रहा है। तो गाइज अभी मैं हूँ शॉप में क्योंकि मम्मी गए हैं कहीं काम से और कोई ना कोई चला है तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा और मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ। बाहर जा रहा है ट्रैक्टर तो जिसकी आवाज़ से कुछ नहीं पता चल रहा, तो बस फिर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं हूँ शॉप में। सामने है कपड़े और यहाँ ढकी हैं चूड़ियाँ सारी, इधर को है क्रैक्स वगैरह। नमस्ते जी। और ठीक है? नमस्ते आंटी जी। बस 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 रेडी आए ये थे हमारे पड़ोसी आंटी तो जो जा रही थे खेत को और चलते चलते उनसे बात कर ली। तो जितनी भी पुरानी बेलें लगी थी वो सारी हमने उखाड़ के एक जगह ढेर लगा दिया और फिर बाद में इन्हें हम जला देंगे। तो बस यही काम हो रहा था और मैं शॉप में से ही बात कर रही थी क्योंकि यहाँ कोई ना कोई आ रहा है। घर में बहुत ज़्यादा ठंड है तो जिस वजह से हमें सारी साफ़ सफाई करनी है और सारे में थोड़ा साफ़ होगा तो हवा भी लगेगी और धूप भी लगेगी, फिर शायद ठंड कम लगेगी। ये हमारे एक और पड़ोसी आंटी हैं तो ये उनके बेटे हैं और वो अपने डॉगी को घुमा कर आ रहे हैं। तो बैक साइड में आपको घुमाती हूँ, लास्ट टाइम भी दिखाया था पर अब और भी कचरा हो गया है, यहाँ भी बहुत सी सफाई करने को है और बारिश हुई है तो खेत में पानी ही पानी है। श्री हाथ जलेंगे, श्रींगू भी आया। अरे आग इसे कहते हैं, इसको जलाता हूं। तो अभी बाद में लेंगे इसको, तो बाद में रखेंगे अवशेष। अवशेष किसके? इसके थोड़े बहुत। अरे तो पहाड़ी पे मम्मा कितनी है, ओ चिपक गया, खींचो और जल गई पापा जी लकड़ी। और नहीं जल गई ये कितने सारे निकल रहे हैं उससे। देखने आए इससे अभी इतनी सारी आग थी आपने देखी नहीं होनी। कोई नहीं है दुकान में से किलो आए में शिंग। देखो दादी क्या लेके आए, गौरी खा ले, गौरी खानी गौरी ने सेकना सिर्फ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को दबाएं।